इस्लामी की जानिब से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन मुद्दों पर बात हुई है, तीन पहलू। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार यहाँ ऑब्जर्व किए जाएं, ये हुकूमत का मंसूबा है। इस मामले में अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार वगैरह जैसे मजहबी और शिरकिया आमाल में शरीक ना होने की, शिरकी आमल है जिसको एक शदीद गुनाह और बड़ा गुनाह इस्लाम में तस्वीर किया जाता है। हमारी रियासत में खुसूसन ईसाई अखलियत पर, उनके गिरजाघरों पर, चर्चेस पर जो अटैक्स हुए हैं, हिजाब का मसला उठाकर जिस तरह तालीम से महरूम किया गया है, एक छोटी सी बात थी और एक बुनियादी हक है। मैं अगरचे कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और ये अच्छी बात है और पुलिस इस सिलसिले में ताउन कर रही है, मगर इसका जैसा कुछ नोटिस लिया जाना चाहिए था। और हुकूमत Western Zeus, leading chain of watch store, all Indian and international branded watches at online prices. Western Zeus, South India's largest watch showroom. Come and experience precious time collections at Western Zeus. A million satisfied customers since 1959. Islami ki janib se aaj इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन मुद्दों पर बात हुई है, तीन पहलुओं पर हमने अपने तशवीश का इजहार किया है। पहली बात, उड़पी में वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब का मसला उठाकर जिस तरह तालीम से महरूम किया गया है, एक छोटी सी बात थी और एक बुनियादी हक है जो हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। और क्या ड्रेस पहना जाए और खुसूसन मुसलमान पर्दा और हिजाब का जो एहतमाम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर इसको इश्यू बनाकर वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जहाँ कोई अपना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से जिस तरह रोका गया और गुज़श्ता तीन हफ्तों से बराबर वो तालीम से महरूम है और हम देख रहे हैं कि वो कॉलेज में कॉरिडोर में बैठने पर मजबूर हो रही हैं। पहले ही मुस्लिम तालिबात के एजुकेशन के मामले में उनके पीछे रह जाने का एक इशू है जिससे हम जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो अपने हिजाब के सिलसिले में महरूम करना उनके हक़ से, दूसरा तालीम से उनको महरूम करना और तीसरा उनकी जो डिग्निटी है उसको मुतासिर करना, ये सब बातें हमारे दस्तूर और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस मामले में वज़ीर तालीम ने भी महज इसको एक इनडिसप्लिन कहा है, हालांकि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे हक़ की बात है जिसको कोर्ट्स ने यहाँ हमारे अपने मुल्क में अपहेल्ड किया है। नाचे हमारी गुजारिश ये है कि इसको खामखा एक इश्यू बनाने और मज़ीद लंबा खींचने के बजाय मुकामी तौर पर इसको हल किया जाए और वहाँ पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट के और अदम एतमाद के माहौल को पैदा करने के बजाय एक खुशगवार माहौल में इस मसले को हल करना चाहिए और लड़कियों के इस बुनियादी हक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसका मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इस मरतबा 73rd रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है, इस मौके से चाहती है कि मुल्क के तूल अर्ज़ में तकरीबन 30,000 इंस्टीट्यूट्स और 3,00,000 तलबा और 30 रियासतों में फैली हुई एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके ज़रिए से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार यहाँ ऑब्ज़र्व किए जाएं, ये हुकूमत का मंसूबा है। इस सिलसिले में जहाँ हम ये तस्लीम करते हैं कि ये हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है और इसकी उनको आज़ादी है, मगर मुसलमान इस सिलसिले में हमारा मज़हब तौहीद और एक खुदा की परस्तिश पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। ये हमारी बुनियादी तालीम है, हमें खालिक की परस्तिश और ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ 62 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಚ್ ಸ್ಟೋರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಬಂದಗಿ ಔರ್ ಸಜ್ದಾ ಔರ್ ದುಆ ಉಸಿ ಸೇ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಕಿಸಿ ದೂಸರೆ ಮಖ್ಲೂಕ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಪರಿಷ್ಠಿಶ್ ಯಾ ಇಸ್ ನೌಯ್ಯತ್ ಕೆ ಕಿಸಿ ಭಿ ಅಮಲ್ ಕೋ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕರ್ನಾ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮೇ ಇಸ್ಸೆ ಸಖ್ತ್ ಮನಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ये शिर्की आमल है जिसकी
जिसको एक शदीद गुना और बड़ा गुना इस्लाम में तसव्वुर किया जाता है। चुनांचे आप देखेंगे कि मुसलमानों को अपने पैगंबर के सिलसिले में भी पैगंबर से जो मोहब्बत और जो ताज़ीम हम अपने दिलों में रखते हैं सब मालूम है, मगर उनको भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है, अपने वालिदैन को भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। और इस्लाम इस मामले में इतना हसास है कि आप देखेंगे कि सूरज के तुलू और गुरूब के अवकात में भी इबादत से मना किया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सिलसिले में इस्लाम कितना हसास है और शिर्क और तौहीद के मामले में इस्लाम कितना एक उसके अहकाम कितने सख्त हैं। चुनाचे इस मौके पर माहौल का इस तरह बना दिया जाना कि मुस्लिम बच्चे मजबूर हों या फिर उन पर इस तरह की कोई पाबंदी लाना एक बहुत नामुनासिब बात है। एक तरफ हम हुकूमत को इससे एतराज़ करने की, इससे बचने की ताकीद भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम बच्चों को भी, वालिदैन को भी इस मामले में अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार वगैरह जैसे मजहबी और शिरकिया आमाल में शरीक ना होने की उनको तालीम देने, ताकीद करने और समझाने का इस मौके से काम होना चाहिए, यही हमारा मुतालिबा है। आखिरी बात, इस वक्त रियासत की कई एक मकामात पर होने वाले छोटे बड़े कम्यूनल इंसिडेंट्स हैं, फ़िरकावाराना रुख इख्तियार करने वाले मामलात हैं। ताज़ा बात नरगुंद में होने वाला फसाद है जिसमें एक मुस्लिम नौजवान शहीद हुआ और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। हालांकि हालात वहाँ कई हफ्तों से बिगड़े हुए थे और तक कशीदगी पाई जाती थी और उस पर पहले ही काबू पाया जाना चाहिए था, मगर इस सिलसिले में देरी हुई और फिर यह वाक़या वहाँ हुआ। और अब भी बताया जाता है कि कशीदगी भी है, टेंशन भी है और लोगों के जज्बात बिफरे हुए हैं, और जो लोग खाते हैं उनको गिरफ़्तार करने या उन पर उनको करार वाकई सज़ा देने के मामले में अगरचे कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और ये अच्छी बात है और पुलिस इस सिलसिले में ताउन कर रही है, मगर इसका जैसा कुछ नोटिस लिया जाना चाहिए था और हुकूमत की तरफ से इसको जिस तरह कंडेम किया जाना चाहिए था, एहतियात बरती जानी चाहिए थी, इस मामले में कोताही महसूस होती है। हम गुजारिश करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हालात को फौरन काबू में लाया जाए। ये सिर्फ नरगुंदी की बात नहीं, हमने देखा कि करीब के चंद महीनों में हमारी रियासत में खुसूसन ईसाई अखलियत पर, उनके गिरजाघरों पर, चर्चेस पर जो अटैक्स हुए हैं, और इसी तरह कुछ मसाजिद हमारे रियासत में उनके सिलसिले में गलत प्रोपेगेंडा और बयानात और अक्यूजेशंस उठाए गए हैं, और मॉरल पुलिसिंग हो रही है, विजिलांटिज्म हो रहा है, ये सब बातें क़ानून की हुक्मरानी के बजाय लाक़ानूनीत का और फ्रिंज एलिमेंट्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को खुली छूट देने का एक माहौल बनता हुआ महसूस होता है। और इसको मज़ीद तक़वियत करीब में असम्बली में जो एंटी कन्वर्शन बिल पास की गई और जिसके सिलसिले में शदीद इख्तलाफात लोगों में पाए जाते हैं, और क़ानून की बुनियाद पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बुनियाद पर एक बहुत कमज़ोर बात है, इसको अपने तदाद के बल पर पास करना और उसके ख़िलाफ़ जो मजबूत आर्गुमेंट्स हैं उसको खातिर में न लाना, ये भी हुकूमत का एक गैर दानिशमंदाना इकदाम है। हम मुतालबा करते हैं कि एक तरफ माहौल को बेहतर बनाया जाए, हालात को काबू में लाया जाए, फ़िरकावाराना हम आहंगी को उसको महफूज किया जाए, उसको बाकी रखा जाए, और इस तरह के कवानीन की जो बात चल रही है उस सिलसिले में हुकूमत दोबारा गौर करे और इसको वापस ले। एक वॉच लेने के लिए आई तो मैं आज तीन वॉच लेकर के जा रही हूँ। And by the watches, the prices are reasonable. The collections are fantastic. So I'm very happy with the shop. You know, from collection, I would like to say I had a very good experience. When I came here, within few minutes, they just did like this.